इस दुनिया का हर एक व्यक्ति एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है, एक लग्जरियस जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन क्या सबके साथ ऐसा हो पाता है? क्या सभी लोग एक लग्जरियस जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जी पाते हैं? इसका जवाब है नहीं। ज़्यादातर लोग एक खुशहाल जिंदगी नहीं जीते, अपनी जिंदगी गरीबी में गुजार देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि किन चीज़ों की कमी के कारण वे एक दुख भरी जिंदगी को गुजारते रहते हैं, या उम्मीद लेकर कि एक दिन उसकी जिंदगी खुशहाल होगी? इस तरह की उम्मीद लेकर जीते हुए उसकी उम्र गुजर जाता है। वे सोचते रह जाते हैं जब पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता। आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण लोग जिंदगी भर दुख भरी जिंदगी, गरीबी की जिंदगी गुजारते हुए अपने दिन गुजारते हैं? क्या ऐसा चीज उसे मिल जाता कि उसकी जिंदगी सुधर जाती? कभी आप सोच पाते हैं? शायद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आता होगा कि अगर ये चीज़ें हमारे जीवन में होती तो हम भी एक लग्जरियस जिंदगी गुजारते, हम भी एक खुशहाल जिंदगी गुजारते। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी को भला कौन नहीं जानता। उन्हें पूरा विश्व अहिंसा के पुजारी के रूप में जानता है और महात्मा गांधी के साथ साथ उनके बंदरों को भी जानता है। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में होती तो शायद हमारा जीवन भी उन लोगों की तरह खुशहाल होता जो आज एक रईस की ज़िंदगी, एक लग्जरियस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? अधिकतर लोगों के दुख का कारण है उसके पास ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वह कई सारी चीज़ें अपने जीवन में नहीं कर पाता। ज्ञान होना अति आवश्यक है। याद रहे, शिक्षित होना और ज्ञानी होना 2 अलग चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना और उसका सही उपयोग करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान के बिना मानव पशु के समान समझा जाता है। व्यक्ति के सबसे बुरे वक्त में हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, परंतु ज्ञान ही उसे इस बुरे वक्त से बाहर निकालता है। ज्ञानी पुरुष का सर्वत्र सम्मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब है, जीवन में हमें कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना आसानी से कर सके। उसके बाद दूसरा ऐसा चीज है, धनवान बनना। वैसे अधिकतर लोगों का कहना है धन बुराई का जड़ है, लेकिन इस बात पे भी गौर कीजिए कि किसी भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि धन कमाना गलत है। आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना धन कमा सकते हैं, और मैं समझता हूँ धनवान होना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको दुनिया में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप खुद गरीब हैं तो दूसरों की मदद नहीं कर सकते। बार बार आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के पास हाथ फैलाना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होगी। कई बार तो लोग पैसों की समस्याओं के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं, और कई लोग गैरकानूनी रास्ते अपना लेते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि अधिकतर लोग धन कमाने के बाद गलत रास्तों में अग्रसर हो जाते हैं, इसलिए धन को बुराई का जड़ बताया गया है। परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग ईमानदारीपूर्वक अमीर बने हैं और एक सुखी जीवन जी रहे हैं। अत्यधिक धन कमाने के बाद लोग स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और गलत रास्तों में भटक जाते हैं, और फिर धन को बुराई का जड़ बताते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अंतिम बात यह है कि धन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम एक खुशहाल और लग्जरियस जीवन नहीं जी सकते। इसके बाद और अंतिम चीज आती है, बलवान बने। बलवान बनने का ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप एक बॉडी बिल्डर बने। मेरा कहने का मतलब है आप एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति बने। मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और धनवान भी है, परंतु हमेशा बीमार रहता है, तो ना अपना ज्ञान वह बांट सकता है और ना ही अपने धन का उपभोग कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति स्वयं तो परेशान रहता ही है, और उसके कारण उसके परिवार वाले भी दुखी रहते हैं। एक व्यक्ति जब किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसके इलाज में उसके परिवार वाले ना जाने कितने बड़े कर्ज में डूब जाते हैं। वो बीमार व्यक्ति स्वयं भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, जल्दी मृत्यु दे दो। इसके अलावा परिवार का हर सदस्य भी यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जल्दी उसकी मृत्यु दे दो, वरना हम सब मारे जाएंगे। दोस्तों, मैं कोई कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये एक सच्चाई है जो आप भी समाज में देखते होंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का जिम्मेदार आप स्वयं हैं। मित्रों, अगर ये 3 चीज़ें किसी के जीवन में हो तो मैं समझता हूँ वह एक लग्जरियस, एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए ये 3 चीज़ें काफ़ी है। जीवन की ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकती हैं। यह 3 चीज़ें ठीक महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों के समान हैं।
बस आपको यह तय करना है कि आप इन तीनों चीजों को अपने जीवन में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अगर जीवन में आप यह तीन चीजें प्राप्त कर लेते हैं तो एक खुशहाल जिंदगी आपकी इंतजार कर रही होगी।